नमस्कार दोस्तों, आर्यन खान ड्रग क्रूज केस में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। आर्यन खान की एक दोस्त है जिनको गिरफ्तार किया गया था, एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, और उसी दोस्त से 4 एमडीएमए की टैबलेट्स भी बरामद की गई थी। उस शख्स का नाम है नुपुर सतीजा, और नुपुर सतीजा को एनसीबी के ऑफिस हाजिरी देनी पड़ रही थी। वीक में एक बार, मतलब हर वीक में एक बार करके नुपुर को एनसीबी के ऑफिस जाना पड़ता था और वहां पे जाके उनका स्टेटमेंट देना पड़ता था। लेकिन आर्यन खान को अभी छोड़ दिया गया है, पूरी तरीके से आर्यन खान को छूट मिल चुकी है। आर्यन खान एनसीबी के ऑफिस जाना बंद कर चुके हैं। बहुत दिनों से आर्यन खान एनसीबी के ऑफिस में नहीं गए, इसी कारण नुपुर सतीजा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जहां पे इन्होंने साफ साफ ये पूछा था कि क्यों आर्यन खान को इतनी छूट दी जा रही है और क्यों नुपुर रोज जा रही है एनसीबी के ऑफिस वीक में एक बार करके, ऐसा क्यों हो रहा है। नुपुर एक लड़की है तो लड़कियों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है, और शाहरुख खान, सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ पार्शलिटी हो रही है। नुपुर सतीजा की इस याचिका की जवाब आ गई है बॉम्बे हाई कोर्ट से, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने नुपुर को ये सलाह दिया कि वो एनसीबी के ऑफिस ना जाए, उनको हर सप्ताह एक बार करके एनसीबी के ऑफिस अब से नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर एनसीबी की तरफ से कोई क्वेश्चनिंग होती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एनसीबी को नुपुर से जाननी है, उस केस में नुपुर को एनसीबी के ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन आर्यन खान को जैसे छूट मिल गई है, नुपुर सतीजा को भी अभी छूट मिल चुकी है, उनको अभी एनसीबी के ऑफिस हर वीक एक बार करके जाना नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है बॉम्बे हाई कोर्ट से। वैसे आपको बता दूं कि आर्यन खान केस में अभी वो दम नहीं रहा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि इस केस में बहुत सारे लोगों को जमानत भी मिल चुकी है, और जो एनसीबी के जो एविडेंसेस थे आर्यन खान के खिलाफ और उनके दोस्तों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी, एनसीबी के खिलाफ भी अभी बहुत सारे लोग आके खड़े हो चुके हैं। तो इस केस में अभी कोई जान नहीं है, आर्यन खान अभी बाहर से घूम रहे हैं। बहरहाल, और जो भी अपडेट्स आएंगी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए शुक्रिया दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।